हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जायका विद जनाब आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ और इसे हम एयर फ्रायर में बनाएंगे जी हाँ कोई भी तरह का तंदूर यूज़ नहीं करेंगे और इसी तरह की टेंडर जूसी और बहुत ही ज़्यादा लजीज़ तंदूरी चिकन जो कि मार्केट में मिलती है ठीक उसी तरह की हम आज चिकन बना के रेडी करेंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए फिर झटपट से हम स्टार्ट कर देते हैं ये रेसिपी को मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है सबसे पहले हम मैरिनेशन का मसाला देख लेंगे तो दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है एक चम्मच गरम मसाला दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच हल्दी एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच कसूरी मेथी और एक चम्मच ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है इतने ही मसाले हम इसमें डालेंगे और बेसिकली यही मेरा तंदूरी मसाला है अगर मार्केट में जो मिलता है वो अलग होता है ये मेरा होम मेड तंदूरी मसाला है अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक चम्मच मैंने नमक डाला है अब जो हमारे ड्राई पाउडर्स है उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़े से हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच डाला है मैंने और चार बड़े चम्मच मैंने कर जिसे कहते हैं गाढ़ा दही वो डाल रही हूँ आधा मैंने नींबू का रस लिया है तकरीबन दो चम्मच जितना ये रस है इससे बहुत अच्छा खट्टा सा और बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है अब यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ तकरीबन वन टीस्पून अगर आपको डालना है तो डालें नहीं तो ऑप्शनल है ये और वन फोर्थ टीस्पून लाल कलर थोड़ा सा मैं पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर भी डाल रही हूँ आ, जो कलर है वो बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन तंदूरी चिकन बना रहे हैं मार्केट स्टाइल होटल स्टाइल तो थोड़ा सा कलर इसमें हम डालेंगे नहीं है अगर आपके पास तो स्किप कर दें आप अच्छी तरह से इन सब मसालों को हम मिक्स कर देंगे ये हमारा जो मैरिनेश टिप का मसाला है वो बिल्कुल तैयार है अब यहाँ पे देखिए मैंने चिकन ली है थाई पीस और इसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े कट लगा दिए हैं ये देख सकते हैं आप मैंने इतने बड़े बड़े छुरी से इसके अंदर कट लगाए हैं ताकि जो मसाला है हमारा वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जाए और जूसी और टेंडर हमारी चिकन बन तैयार हो तो हाथों की हेल्प से ये आप ग्लव्स पहन ले और अच्छी तरह से जो मसाला है उसे हमें चिकन पे कोट कर देना है अच्छी तरह से मसाज करते हुए जो कट्स है उसके अंदर भी मसाला डालना है और इसे अब हमें ओवरनाइट रखना है ओवरनाइट रखने से जो मसाला है वो अंदर तक चिकन के पहुंच जाएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छः घंटे के लिए रख दें लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ओवरनाइट ही इसे आप मैरिनेशन के लिए रखें अब यहाँ पे देखिए मैंने एयर फ्रायर यूज़ किया है इसे हम पहले प्री हीट करेंगे तो दस मिनट के लिए हम इसे वन डिग्री सेल्शियस पे प्री हीट करने रख देंगे तो जैसे ही इसका दस मिनट हो जाएगा मिलते हैं आपको दस मिनट बाद ये देखिए दस मिनट हो चुके हैं और मैं हल्के से इसका जो बास्केट है वो निकाल रही हूँ और जो हमारे मैरिनेटेड चिकन के पीसेस हैं वो एक एक करके मैं बास्केट के अंदर डाल रही हूँ आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये जो बास्केट है ये गर्म है तो बिल्कुल आप हाथ से नहीं डालें नहीं तो आपको चटका लग सकता है या कोई भी तरह का हार्म हो सकता है ये इसका जो बास्केट है अब बंद कर देंगे और अब जो हमारा टाइमर है उसे थर्टी मिनट्स के लिए सेट करना है और वन एटी डिग्री पे हमें इसे पकने देना है यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है टाइमिंग का और हीटिंग का अब यहाँ पे देखिए तकरीबन पंद्रह बीस मिनट हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये एक साइड जो है इसका ये फ्राई होकर तैयार है देखिए हमने इसमें ज़रा भी ऑयल नहीं डाला है आप देख रहे हैं मैंने इसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया है बिना ऑयल के ही हम इसमें एयर फ्राइर कर रहे हैं टर्न्स कर देंगे इसकी साइड्स को तकरीबन पंद्रह मिनट के बाद और फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने थर्टी मिनट का टाइमर लगाया था तो अब हमें इसे कंटिन्यू करना है और पूरा थर्टी मिनट का टाइमर जब बंद हो जाएगा फिर ओपन करके हम देखेंगे बास्केट तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारी जो चिकन है वो कितनी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है बिल्कुल इसका जो लुक है वो आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दिख रहा होगा इसकी खुशबूएं भी फ्रेंड्स ज़बरदस्त आ रही है कोई मेहनत का काम नहीं किया हमने मैरिनेशन किया और ये देखिए इस तरह से हमने तीस मिनट के लिए रख दिया तैयार हो गया बाकी का जो हमारा चिकन है उसे भी हम इसी तरह से एयर फ्रायर कर लेंगे तो एक एक करके मैं बास्केट के अंदर पीसेस डाल रही हूँ और इसे वापस से हमें 30 मिनट्स का टाइमर सेट करना है 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और आराम से इसे पकने देना है बिना कोई झंझट बिना कोई मेहनत कोई कढ़ाई का यूज़ नहीं करेंगे ना कोई गैस यूज़ करेंगे ना ना ही कोई धुआँ होगा और हमारी जो तंदूरी चिकन है वो बहुत ही ज़बरदस्त आसानी से बन तैयार हो जाएगी अगेन यहाँ पे देखिए पंद्रह मिनट हो गए हैं मैंने यहाँ पे साइड्स भी टर्न कर दिया है इसे फिर से हम पूरा कंटिन्यू करेंगे थर्टी मिनट्स तक और ये देखिए हमारी चिकन आगे पीछे हर जगह से बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी है बिना कोई मेहनत के मैं आपको घड़ी खड़ी यही रिपीट कर रही हूं मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं किया है फ्रेंड्स और ये बहुत लाजवाब बन तैयार हुई है तो ये देखिए हमारी एयर फ्रायर में तंदूरी चिकन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आसानी से घर पे मैंने इसे बना के तैयार किया है इसे आप चटनी के साथ केचप के साथ और अलग अलग सैलड्स के साथ सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं या यूं ही इसे एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है चलिए इसे अंदर का मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो ये देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही जूसी है फ्रेंड्स इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आया है हमने इसमें जो अजवाइन डाला था उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आया है तो ये रेसिपी ट्राई करना बिल्कुल बनता है